और कमाल की बात है कि वो मुस्लिम जज चरण कर जाके कृपा पंग गिर लंघे अंधेरे को सब कुछ दर्शाई भगवान की कृपा सब कुछ दिखा देती है। चमत्कार जी मिलते हैं न तो मैं जगत गुरु रहता हूँ ना वो प्रधानमंत्री, दोनों मित्र ही रहते हैं। आप नाराज तो नहीं है ना? क्यों नाराज रहूंगा? नहीं कुछ लोग नाराज है इसलिए मैं अयोध्या। आप लौंग खाइए फिर बात कीजिए। ये प्रसाद है, मेरी माँ से इन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर शुभ संकेत बेटी तुम्हें मिलेगा। राम जी भीतरी नेत्र से ही दिखते हैं, बाहरी नेत्र से नहीं दिखते। शंकराचार्य जो है चारों मठ के चारों कोने के आज नहीं शंकराचार्य 22 जनवरी जो है क्या कोई गलत दिन है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? नहीं बहुत अच्छा दिन है। कोर्ट में 441 सबूत दिए थे जिसमें 436 सबूत जो है सही 436 जाने जगदेव जनाई। हाँ जिसको भगवान जनाना चाहते जना दे। राम मंदिर बनने से क्या देश का विकास होगा? राम मंदिर राष्ट्र के मंगल का मंदिर है, समझते नहीं लोग? रावण के वंशज हैं, रावण के मानस पुत्र हूँ और पांच किताबें और पढ़ गए 235 पुस्तकें तक, पुत्र ब्राह्मण हूँ। राम जी मेरे विद्यार्थी हैं, शिष्य तो पुत्र ही होता है। प्रचारित करेगा प्रतिदिन एक लेसन एक पाठ मैं उनको सुनाता हूँ। राम जी को आप किस रूप में देख रहे हैं? अभी मैं बालक रूप में ही देखता हूँ, सुधारेंगे प्रेम से। प्रेम से नहीं सुधरेंगे चाटा लगाएंगे। हाँ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के बगल में मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। आज अयोध्या आप लौंग खाइए फिर बात कीजिए। ये प्रसाद है और मैं इंटरव्यू से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। जब ये चंपारण में थे तो मेरी माँ इनके पास गई थी और मेरे ऊपर NSA लगा हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने लगाया था। मेरी माँ से इन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर शुभ संकेत बेटी तुम्हें मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, और 2 दिन के अंदर अंदर मेरे ऊपर से NSA हट गया। तो आशीर्वाद गुरुदेव का। मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि राम को आप किस नेत्र से देखते हैं, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम को देख नहीं पा रहे हैं। राम जी भीतरी नेत्र से ही दिखते हैं, बाहरी नेत्र से नहीं दिखते। जिनकी आंखें खुली हैं वे राम जी को देख नहीं सकते, क्योंकि तो हीरो हीरोइन को देखते हैं। अब मेरे हीरो तो क्यों राम जी है, राम जी से बड़ा कोई हीरो हो नहीं सकता। एज फॉर हैंडसम राम जैसा कोई हैंडसम नहीं है, इफ फॉर एजुकेटेड उतना कोई एजुकेटेड नहीं है, और फॉर रेगुलर उतना कोई रेगुलर नहीं है, और फॉर ओबीडियंट उतना कोई आज्ञाकारी नहीं है। हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले हैं लेकिन आपके चेहरे पे एक मुस्कान एक खुशी एक आनंद जो है जो रहता है, इसके पीछे का राज क्या है गुरुदेव? मस्ती उसी को मिलती है जो परमात्मा के चरणों में अपनी हस्ती लुटा दिया करता है। मस्त रहो मस्ती में आगर के बस्ती में। आदि शंकराचार्य जो है चारों मठ के चारों कोने के आदि नहीं शंकराचार्य बोलो। हाँ वो लोग जो है नाराज है नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो उनकी अपनी इच्छा अपना मन, मैं क्या कहूँ। अच्छा उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था। हाँ अब 22 जनवरी जो है क्या कोई गलत दिन है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? नहीं बहुत अच्छा दिन है, त्रेता की छाया आ रही है 22 जनवरी को। हाँ आप सबसे ज्यादा प्रेम जो है सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आपके नजर में कौन है? मेरे प्रधान नजर में दो प्रधानमंत्री अटल जी और मोदी जी, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे समान की अवस्था भी मुझसे 6 महीने छोटे हैं। आपसे 6 महीना छोटे हैं पर मेरे मित्र हैं। जब मोदी जी मिलते हैं न तो मैं जगत गुरु रहता हूँ ना वो प्रधानमंत्री, दोनों मित्र ही रहते हैं। आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में 441 सबूत दिए थे जिसमें 436 सबूत जो है सही 437 सबूत जो है सही पाए गए, और बाद में जो है जो 4 बचे थे वो उसको भी सही करा दिया गया, और जज साहब ने कुछ बातें आपके लिए बोली। मेरे लिए वो कहा था सर यू आर डिवाइन पावर। और कमाल की बात है कि वो मुस्लिम जज थे, मुस्लिम वो आपके सामने झुक गए, तो आपके पास सबूत कहाँ से आया? मतलब कि दुनिया के नजर में ये है कि आप देखो जाने जगदेव जनाई। हाँ
जिसको भगवान जनाना चाहते जना देते। हाँ, मेरे मन में सब सबूत अपने आप प्रमाण अपने आप स्फुरित हो गए। हाँ, राम जी ने बता दिया। राम मंदिर बनने से क्या देश का विकास होगा? ये राम मंदिर राष्ट्र के मंगल का मंदिर है, समझते नहीं लोग। हाँ, तो जब राष्ट्र के मंगल का मंदिर होगा तो राष्ट्र का मंगल तो होना ही होना है। बहुत सारे विपक्ष के नेता जो है प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भाजपा का इवेंट है, इनका इवेंट नहीं, नहीं, किसी का नहीं, राष्ट्र का है। अच्छा, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं जिनको आमंत्रित भी किया गया है, उनके लिए क्या संदेश? दुर्भाग्य। हाँ, दुर्भाग्य कह दिया। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं उन दुर्भाग्य उनके वो क्या रावण के वंशज? रावण के वंशज हैं, रावण के मानस पुत्र हूँ। जो विपक्ष है बार बार जो है प्रश्न राम के अस्तित्व पे, राम सेतु पे, राम मंदिर पे, लेट देम वर्क। अच्छा, 22 भाषा की आपको जानकारी है, कैसे आप जो है आँख से नहीं देखने के बावजूद जो है जो दुनिया के नजर में, ऐसे तो आप आँख से देखते हैं भगवान प्रभु से राम को देखते हैं, 22 भाषा की जानकारी कैसे हो गई गुरुदेव? बस मैं नहीं जानता, जाके कृपा पंग गिरे लंघे अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। हाँ, भगवान की कृपा सब कुछ दिखा देती है, यही चमत्कार है। 200 से अधिक किताबें आपने लिखी है? 200, पहले 230 थी। हाँ, अब और 5 किताबें और बढ़ गई, 235 पुस्तकें अब तक लिखी मैंने। कैसे लिखा आपने? मैं लिखवाता हूँ, लोग लिखते हैं। आप लिखवाते हैं, लोग लिखते हैं। इतना सारा ज्ञान है आपको, इतनी सारी चीजें हैं, इतना ज्ञान वाली बातें आप करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है और वो राम के अस्तित्व पे ऐसा नहीं है। हाँ, सब तक पहुंच रहा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग समझना नहीं चाहते, समझना जानकर बदमाशी करते हैं, जान के बाद। अच्छा, वैसे बदमाश बच्चों को, वैसे बदमाश शिष्यों को जो है आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे सुधारेंगे? धीरे धीरे सुधारेंगे, प्रेम से नहीं सुधरेंगे, चाटा लगाएंगे। हाँ, मतलब कि आप चाटा भी मारते हैं? हाँ, बिल्कुल मारेंगे। गुरुदेव चाटा भी मारते हैं और गुरुदेव का पूरा टीम जो है सोशल मीडिया पे जो है वो एक्टिव भी है, तो आप लोग जो है वहाँ पे भी जाके जो है इनकी बातों को सुन सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या में आप जो है इधर प्राण प्रतिष्ठा होगा, इधर आपका कथा चल रहा है, 22 तारीख को आप कहाँ रहेंगे? मैं वहीं रहूंगा, मुझे आमंत्रण आया है। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है ना? क्यों नाराज रहूंगा? नहीं, कुछ लोग नाराज है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं क्यों नाराज रहूंगा? मेरा किसी का बेटा बहुत दिनों के बाद आए। अपने घर तो बाप नाराज होगा क्या? अच्छा, राम जी से मेरे वही संबंध है। मैं वशिष्ठ गोत्र ब्राह्मण हूँ, राम जी मेरे विद्यार्थी हैं, शिष्य तो पुत्र ही होता है। तो राम जी आपके विद्यार्थी है, आपको बता भी दो, प्रचारित करेगा। प्रतिदिन एक लेसन, एक पाठ मैं उनको सुनाता हूँ राम जी को। प्रतिदिन सवेरे मेरा नियम है 3 से 4 के बीच रात में। और राम नाम का जाप आप पर डे कितना करते हैं? 2 लाख। 2 लाख जाप? 2 लाख हो जाता है? एकदम। और राम जी को भी देखते हैं? अभी राम जी को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं बालक रूप में ही देखता हूँ, बालक रूप में ही हमेशा। और 22 तारीख को किस रूप में देखेंगे? 22 तारीख को भी बालक रूप में, अपने घर में बालक आएगा हमारा, अपने घर में। और राष्ट्र का मंगल जो है राम मंदिर से कैसे होगा? राम माने राष्ट्र, माने मंगल, उसका अर्थ ही यही है। राष्ट्र और माँ मतलब मंगल। इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग भी जो है कुछ करें देश के लिए। तुम्हारा मुकदमा निकल गया, दक्षिण ठीक से दो। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। तुम्हारी मौसी बहुत रो रही थी। माँ मेरी माँ, मैंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर शुभ संकेत मिल जाएगा। हाँ, और 2 दिन के अंदर मेरे ऊपर से आने से हट गया गुरुदेव। जय श्री राम।